रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय गांधी मैदान में एनडीए के पक्ष में आयोजित जनसभा में शामिल होकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से जदयू उम्मीदवार दिलेश्वर कामत को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विरोधियों पर भी जमकर बरसे। आज मेरे भाइयों, एनडीए का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। एनडीए के विजय का त्रिगणेश गुजरात की धरती से हो गया है। अब बताइए, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग कहते ही हैं कि साहब ये तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सूरत से निर्विरोध निर्वाचित हो गया। मेरे भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर ये लोग राजनीति करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में 28 बार निर्विरोध सांसद चुने गए हैं, जिसमें 20 बार कांग्रेस के निर्विरोध सांसद चुने गए, समाजवादी पार्टी के 2 बार चुने गए। लेकिन इस प्रकार का बेबुनियाद निराधार आरोप लगाना, जनता को धोखा देकर, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करना, यह इनकी आदत है, यही इनका स्वभाव है। और मेरे भाइयों, एनडीए का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं गुजरात के सूरत में सुपौल लोकसभा क्षेत्र के त्रिवेणीगंज एएलवाई कॉलेज प्रांगण में इंडिया गठबंधन की चुनावी सभा में तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से राजद उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को वोट देने की अपील की। अपने संबोधन में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कालाधन लाने की बात कहती है लेकिन ला नहीं पाई, पीएम मोदी सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीएम मोदी 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सनातन मंगलसूत्र की बातें करने लगे हैं। मंगलसूत्र ले लेगा, क्या बकवास बातें भाई। प्रधानमंत्री जी मुद्दे की बात करो, पढ़ाई लिखाई कमाई सिंचाई के बारे में बात कीजिए। असल मुद्दा क्या है, बेरोजगारी का है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठाओ। तो बेरोजगारी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए, महंगाई से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए, पलायन को रोकना है तो लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। ये महंगाई होगी, गरीबी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। ये लोगों ने कुछ नहीं किया, यही 14 में 400 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1400 हो गया। यही मोदी जी को महंगाई डाइट लगती थी, अब भावचाई लग रही है। हम महंगाई का मोह पे भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बोह पे भी नहीं बोलते हैं, गरीबी का गो पे भी नहीं बोलते हैं। खतरे में है, खतरे में है, खतरे में डराते हैं। मंगलसूत्र